आजकल कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत चर्चा हो रही है. लेट्स फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड वेयर डू वी गेट कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम एंड व्हाट हैपेंस टू इट वंस वी कंज्यूम इट. सो कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली सोर्स्ड फ्रॉम ऑल योर सीरियल ग्रेन्स, जैसे जवार, बाजरा, राइस, व्हीट. दाल्स में से अब भी आता है पल्सेस, चनाज, स्पेशली स्टार्ची वेजिटेबल्स जैसे रतालू है, पटेटो है. जब डाइजेशन के बाद सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट होता है वो ग्लूकोज बनता है. मिल्क से भी कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं. मिल्क में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका नाम लैक्टोज है. एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स जो है, जैसे कि एक्सेस ग्लूकोज हमने अगर कंज्यूम किया है इन सारे सोर्सेज में से, तो वो फैट में जाकर स्टोर हो सकता है. जो ये डाइजेशन के बाद कार्बोहाइड्रेट्स जो हम कंज्यूम करते हैं, वो बॉडी समझती नहीं है कि आपने आज बाजरा तुअर दाल के साथ खाया है या आपने पुलाव खाया है. बॉडी एक ही चीज समझती है, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, मतलब पूरा डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद ये चीजें ग्लूकोज बन सकती है या फ्रुक्टोज. अगर फ्रूट हमने खाया है तो वो फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होता है, तो बॉडी सिर्फ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज समझती है. अब हम देखेंगे कि ये कैसे बॉडी में मूव होते हैं. तो डाइजेस्टिव सिस्टम से ये हमारे ब्लड में आता है. जो हम ब्लड ग्लूकोज मेजर करते हैं, फ्रुक्टोज इज ओनली टेकन अप बाय द लिवर और फैट. फ्रुक्टोज कैन नॉट बी टेकन अप बाय द मसल्स. अगर हमने इसे और टाइम पे कंज्यूम किया है, मतलब सेकेंड पार्ट ऑफ द डे या रात को, तो ये फ्रुक्टोज जाके फैट में बैठ जाएगा. लिवर जो एक छोटा सा ऑर्गन है, हम बाकी सारी चीज़ें जो खा रहे हैं, जैसे ग्लूकोज भी निकल रहा है, तो ये जाकर लिवर में भी बैठ सकता है और मसल में. लेकिन फ्रुक्टोज जो है, अगर हमने इसको सेकेंड पार्ट ऑफ द डे में खाया है, तो लिवर पूरा स्टोर कंप्लीट करके वो जाकर फिर फैट में बैठ सकता है. तो फ्रूट हैज़ टू बी ईटन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे बिकॉज ऑफ दिस रीज़न. अब अगर हमने जो हमारे कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हैं इन्हें एक्सेस क्वांटिटीज में कंज्यूम किया है, तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर ग्लूकोज जाके फैट स्टोर्स में बैठ जाएगा. अगर हमारे फैट स्टोर्स बढ़ रहे हैं, तो इससे हमारे बॉडी के ट्राइग्लिसराइड जो है वो बढ़ सकता है, और इसके द्वारा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है बॉडी में, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का रॉ मटेरियल फैट होता है. अगर हम हमारे रेगुलर इंडियन मील्स को एक एग्जाम्पल की तरह से देखें, तो एक थाली में आप देखोगे कि एक सब्जी होती है, दही होता है, दाल हो सकता है, और ज़्यादा करके क्वांटिटीज जो होते हैं राइस और रोटी का प्रोपोर्शन रहता है. इससे हमको रिवाइज करना है, प्रोटीन इंटेक हमको बढ़ाना है, राइस और रोटी की मात्रा कम रखनी चाहिए. लेट्स से कि आपकी थाली में अराउंड 30% जो है आपका दाल और रोटी और राइस से आना चाहिए. बाकी सारी चीज़ें जो है हमें प्रोटीन और फाइबर, मतलब वेजिटेबल से प्राप्त करनी चाहिए. तो यू कैन इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ पनीर और एग और सम नॉन वेजिटेरियन आइटम और दही फॉर दैट मैटर, एंड रीअलाइन योर थाली. मेनी पीपल हैव अ स्वीट टूथ. सो वॉट इज अ स्वीट टूथ? बेसिकली दे हैव अ क्रेविंग टू ईट समथिंग स्वीट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वॉट हैपन्स वेन ग्लूकोज इज फ्लश्ड इन द बॉडी इन सरप्लस. जब ग्लूकोज ब्लड में आता है, तो वो इंसुलिन हॉर्मोन को है पैनक्रीज से ट्रिगर करता है, और इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को सेल्स के अंदर भेजना. तो अगर हम देखेंगे कि डायबिटिक लोगों में इंसुलिन कम प्रोड्यूस होता है, इसीलिए उनका ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा रहता है, वो सेल्स के अंदर नहीं जाता. अब इंसुलिन दो चीज़ें करता है. एक तो वो ग्लूकोज को सेल्स के अंदर भेज देता है, सडनली आपका ब्लड ग्लूकोज ड्रॉप होता है, और इसके वजह से आपको क्रेविंग्स शुरू हो जाते हैं, एंड यू बेसिकली स्टार्ट गेटिंग रेडी टू कंज्यूम अनदर जंक मील और अ कार्बोहाइड्रेट बेस्ड मील और अ डिजर्ट. जंक फूड्स जो हम कंज्यूम करते हैं, जैसे पिज्ज़ा, बर्गर्स, वड़ा पाव, चिप्स, केक्स, इससे क्या होता है कि हम जो रिफाइंड फ्लावर, मैदा कंज्यूम कर रहे हैं, इससे ग्लूकोज बहुत जल्दी ब्लड में चला आता है, और उसके अलावा जंक फूड्स में ज़्यादा करके फैट भी रहता है. तो कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा दोनों जंक फूड्स में हाई रहता है. दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट टुगेदर विल मेक इट वर्स. तो जंक फूड्स आर गोइंग टू इंक्रीज योर इंसुलिन लेवल्स. They are going to make you fatter because insulin is also storing fat and is also making you eat more carbohydrates and more junk. So are carbohydrates essential? Well, not really, because जब आप प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, तो बॉडी ग्लूकोज प्रोटीन से भी बना सकती है, लेकिन बॉडी कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन नहीं बना सकती. सो इन नेचर वी हैव एसेंशियल अमीनो एसिड्स विच कम फ्रॉम प्रोटीन एंड एसेंशियल फैटी एसिड्स विच कम फ्रॉम फैट. हम इंडियंस होकर हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा रहता ही है नॉर्मली, तो इसे हमको बैलेंस करना पड़ेगा. वी हैव टू रीअलाइन इट. तो इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी. एक तो सीक्वेंस और टाइमिंग. कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप ले रहे हो, सो मेक श्योर यू टेक इट इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे, नॉट टुवर्ड्स इवनिंग एंड नॉट टुवर्ड्स बेड टाइम, इफ योर गोल इज टू लूज फैट. ब्रॉट टू यू बाय पतंजलि.